पता है कि अमेजोन पे बिजनेस मॉडल्स कौन से होते हैं, बिजनेस करने के कौन से मॉडल्स होते हैं, क्या बेच सकते हो आप? आप प्राइवेट लेबल कर सकते हो, आप होलसेल कर सकते हो, आप ड्रॉप शिपिंग कर सकते हो। प्राइवेट लेबल क्या होता है, मैंने जाके आईफोन एक्स केस सर्च किया, या किसी और की एग्जांपल लेते हैं, मैंने जाके सर्च किया चारकोल बैग्स, मेरे पास 9000 रिजल्ट आ गया। अमेजोन कहता है 9000 सेलर्स हैं जो चारकोल बैग सेल कर रहे हैं। अब आप देख सकते हैं, इसको मैं ओपन करता हूं, इसको ओपन करता हूं, ये सारे बंदे चारकोल बैग्स बेच रहे हैं, ठीक है। एंगबो भी, इसको भी ओपन करता हूं, तीन मैंने ओपन कर लिए हैं। अब आप देखो, मैंने ये ओपन किया फर्स्ट नंबर वाला, इसके ऊपर मैं जूम करता हूं, आपके ऊपर आ रहा है सिल्वर लिंगिंग्स लिखा हुआ आ रहा है, लॉगो लगा हुआ। इसका क्या मतलब है, ये बंदा भी बेच रहा एयर प्योरिफाइंग बैग्स, चारकोल बैग्स ये, लेकिन इसने इसको अपने ब्रांड के अंदर कर दिया। इसने थोड़ी सी इसके बैग के ऊपर काला सा एक वो लगाया और ऊपर अपना लॉगो लगा दिया, बेच ये भी चारकोल बैग्स रहा है लेकिन अपने ब्रांड के अंदर थोड़ी सी कस्टमाइजेशन करके, सिल्वर लिनिंग्स आपको नजर आ रहा है इसके ऊपर लिखा हुआ, ठीक है। अब ये बंदा जो है, इसका नाम है जी बेसिक कॉन्सेप्ट्स, ये आपको ऊपर लिखा हुआ नजर आ रहा है इसके पैक के ऊपर, ये भी चारकोल बेच रहा है लेकिन इसने अपने ब्रांड के अंदर लगा दिया, इसने अपनी शेप कर दी, ठीक है। अब ये बंदा भी चारकोल बैग्स ही बेच रहा है लेकिन इसकी जो आप देख सकते हो, इसने ऊपर अपना वंडरफुल के नाम से, एंगबो के नाम से इसने अपना लॉगो लगाया हुआ है। तो इस चारकोल बैग्स होते हैं एयर प्योरिफाइंग बैग्स होते हैं मिस बेसिकली, इसने अपना लोगो लगा लिया, तो बेच सब चारकोल बैग्स ही रहे हैं लेकिन अपने अपने ब्रांड के नाम से, ये एंगबो के नाम से बेच रहा है, ये बंदा बेच रहा है थोड़ी सी कस्टमाइजेशन करके बेसिक कॉन्सेप्ट्स के नाम से, ये बेसिक कॉन्सेप्ट्स का लोगो लगा हुआ है। तो किसी प्रोडक्ट को अपने ब्रांड के अंदर बेचना, उसके ऊपर अपना लोगो लगा के बेचना, उसको प्राइवेट लेबल कहा जाता है, ठीक है। चारकोल बैग मैंने सर्च किए, मेरे पास रिजल्ट आए, और जी सिंपल जो रिजल्ट आए, सब अपने अपने डिजाइन, अपने बेच सब चारकोल बैग दे रहे हैं, कोई आठ बेच रहा है पीस, कोई चार पीस बेच रहा है, कोई बंदा जी बेच रहा है कोई डिफरेंट डिजाइन से बेच रहा है, कोई डिफरेंट डिजाइन से बेच रहा है। तो इसने, इन्होंने क्या किया, इन्होंने प्राइवेट लेबल किया, जो इन्होंने बिजनेस मॉडल अडॉप्ट किया, ये प्राइवेट लेबल है कि एक चीज जो बिक रही है उसको अपने ब्रांड का नाम दे के, अपना लॉगो लेबल करके बेचना शुरू कर दो, उसको प्राइवेट लेबल कहा जाता है। दूसरा जो ऑप्शन होता है होलसेल का, होलसेल क्या होता है जी, कि आप अपना ब्रांड नहीं बेच रहे, अपना ब्रांड नहीं किसी प्रोडक्ट को बना रहे, आप किसी का ब्रांड बेच रहे हो। फॉर एग्जाम्पल आप कहते हो नाइकी, मैं आपको दिखाता हूं एग्जाम्पल, नाइकी शूज, आप नाइकी शूज बेच रहे हो, यार पता नहीं क्या इश्यू इसमें हो गया था, एक मिनट ठहरिएगा, कोई मसला नहीं, मैं आ गया हूं, अभी आवाज क्लियर आ रही होगी। हम एग्जांपल ले रहे थे प्राइवेट लेबल का, मैंने आपको बताया था कि हर बंदा चारकोल बैग्स बेच रहा था, हर बंदा अपना अपना लेबल लगा के उसके ऊपर बेच रहा था, तो जी उसको प्राइवेट लेबल कहते हैं कि एक चीज सारे चारकोल बैग्स बेच रहे थे, कोई एंगबो के नाम से बेच रहा था, उसने थोड़ी सी कस्टमाइजेशन की थी शेप में, किसी ने अपना लॉगो लगाया हुआ था, इसको प्राइवेट लेबल कहा जाता है। होलसेल क्या होता है, होलसेल मतलब कि आप अपना ब्रांड नहीं बनाते, आप किसी का बिल्ड ब्रांड बेचते हो। फॉर एग्जाम्पल नाइकी है, ठीक है, नाइकी मैंने क्लिक ओपन किया, अब मैं क्या किया, मैं नाइकी का चूज करता हूँ, नाइकी का ये वाला शूज मुझे पसंद आया, मैं साइज चूज करता हूँ, एट साइज मुझे चाहिए, और मुझे क्या चाहिए जी, ठीक है ये कलर। अब आप यहां पे देख रहे हो, नीचे आपको शो हो रहा है न्यू 10 फ्रॉम दिस, न्यू 10 मतलब 10 और बंदे भी सेम चीज बेच रहे हैं नाइकी की, आप क्लिक करते हो,
आगे पास आ गया। एक ये बंदा जी अमेजोन ग्लोबल स्टोर यूके के नाम से $50 का बेच रहा है ये शूज। एक बंदा जी ये है अल्फा को के नाम से $65 का बेच रहा है। एक बंदा ट्रेंड एसेंशियल है 65 का बेच रहा है। ये बंदा ब्लॉसम ऑनलाइन सेल है 86 का बेच रहा है। ये 63 का बेच रहा है, ये 85 का। तो इसने आपको दिखा दिया कि 10 बंदे और भी सेम चीज बेच रहे हैं, आप इनसे भी खरीद सकते हो अगर आपको लगता है कि इनकी प्राइस इनसे ज्यादा कम है। तो इसको कहते हैं होलसेल, कि आपने नाइकी को कहा कि मैं आपकी ये प्रोडक्ट बेचना चाहता हूं, मैं आपका होलसेलर बनना चाहता हूं। नाइकी ने बोला ठीक है मेरी ये रिक्वायरमेंट्स, आप मुझसे महीने के 500 पीसेस ऑर्डर करोगे देन मैं आपको अलाउ करूंगा कि आप मेरे होलसेलर बन जाओ। मैंने कहा ठीक है, मैंने कहा कि ठीक है 500 पीसेस मैं आपसे परचेज कर लेता हूं। मैंने 500 पीसेस ऑर्डर किए, मेरे पास 500 पीसेस आ गए। तो जी मैंने अमेजोन को जाकर कहा मैं अभी नाइकी की चीज बेचूंगा। अमेजोन कहता है नाइकी की क्या चीज बेचनी है? आपने बोला जी कि ये जो ऑलरेडी प्रोडक्ट बिक रही है नाइकी नाइक मेंस रिवॉल्यूशन 5 रनिंग शूज, मैं ये बेचूंगा। अमेजोन कहता है जो चीज ऑलरेडी बिक रही है आप उसको न्यूली लिस्ट नहीं कर सकते। आप अगर नाइकी की चीज बेचोगे वो ऑलरेडी अमेजोन पे बिक रही है, आप इसकी न्यू लिस्टिंग, न्यू इमेजेस, न्यू डिस्क्रिप्शन कुछ भी नहीं कर सकते। आप क्या करोगे, आप सिंपल अमेजोन को बताओगे कि मेरे पास भी ये चीज है, मैं बेचना चाहता हूँ। Amazon आपसे सिंपल पूछेगा आपके पास है, आप कितने की बेचना चाहते हो। मैं सारा कुछ बताता हूं, ना टेंशन लें। Amazon कहेगा आपके पास है, आप कितने में बेचना चाहते हो। मैं बोलूंगा जी मैं ये कितने का बिक रहा है, 75 का, मैं 50 का बेचूंगा, मुझे नाइकी ने $40 का दिया था, मैं 50 का बेचूंगा। तो जी नाइकी कहता है, अमेजोन कहता है ठीक है, अमेजोन आपको न्यू लिस्टिंग करने नहीं देगा, अमेजोन आपको इस एग्जिस्टिंग लिस्टिंग में आपकी ऑफर यहाँ पे ऐड कर देगा। यहाँ पे अगर आप ऐड होगे न्यू 11 लिखा हुआ आ जाएगा, कोई बायर आया है वो यहाँ पे क्लिक करेगा, यहाँ पे आप भी शो हो रहे होगे, यहाँ पे आपकी प्राइस $50 लिखी होगी, तो अगर उसने आपसे खरीदना है तो ऐड टू कार्ड करके आपसे खरीद लेगा, अदरवाइज जिससे उसने खरीदना है वो उससे खरीद के चला जाएगा। आप होलसेल कर रहे हो, होलसेल का ये नुकसान होता है कि आप अपनी ब्रांड न्यू लिस्टिंग नहीं बना सकते, अपने ब्रांड के अंडर नहीं बेच सकते। आप वो चीज बेचते हो जो ऑलरेडी बिक रही होती है किसी ब्रांड के अंदर, अमेजोन पे बिक रही होती है। आप क्या करते हो, आप उस ब्रांड से परमिशन लेते हो, उनकी रिक्वायरमेंट्स पूरी करते हो, वो आपको अलाउ कर देते हैं। मे बी उनकी रिक्वायरमेंट हो कि आप मुझसे मिनिमम इतने पीस महीने के लोगे तो मैं आपको अलाउ करूंगा, या आप मिनिमम मैक्स मिनिमम इतनी प्राइस का बेचोगे, इससे नीचे का नहीं बेच सकते। तो आप अगर उनकी चीज मांग लेते हो वो आपको होलसेल रेट पे शूज दे देंगे। आप amazon.com पे आओगे, आप देखोगे 10 बंदे और भी सेल कर रहे हैं, उनको भी नाइकी ने परमिशन दी हुई है। आप क्या करोगे, आप बोलोगे अमेजोन को मैं भी ये वाला शूज बेचना चाह रहा हूँ इसी कलर का, नाइकी ने मुझे दिया हुआ है। वो कहेंगे मुझे ऑथराइजेशन लेटर दिखाओ। नाइकी बोलेगा मुझे ऑथराइजेशन लेटर दिखाओ कि आप, अमेजोन बोलेगा मुझे ऑथराइजेशन लेटर दिखाओ कि नाइकी ने आपको अलाउ किया हुआ है। तो आप दिखाओगे, अमेजोन क्या करेगा, अमेजोन आपकी प्राइस यहाँ पे ऐड कर देगा। तो बायर जो आएगा वो देखेगा जी के $75 का तो इसका रेट है, बट और बायर्स भी और सेलर्स भी हैं जो यही चीज बेच रहे हैं, तो देखेगा अगर उसको सस्ती आपकी प्रोडक्ट मिल गई तो आपसे खरीद लेगा, अदरवाइज वो जिससे उसका दिल करेगा उससे खरीदेगा। तो ब्रांड न्यू उसका क्या फायदा हुआ था प्राइवेट लेबल का, कि आपकी लिस्टिंग है कोई और नहीं सेल कर सकता। होलसेल का होता है कि जस्ट आपको अलाउ नहीं करेगा, हर बंदा जो उसकी रिक्वायरमेंट्स पूरी करेगा उन सबको अलाउ कर देगा, तो आपका फिर कंपटीशन शुरू हो जाएगा। आप बोलोगे साथ जो है नाइकी का 75 का बेच रहा है, मैं नाइकी से परमिशन लेके 74 का बेचूंगा। तीसरा बंदा बोलेगा मैं नाइकी से परमिशन लेके 73 का बेचूंगा। तो आप बोलोगे यार ये 73 का बेच रहा है, लोग तो इससे खरीदेंगे, मैं 72 कर देता हूँ। तो आपकी वो प्राइस वार चलती रहेगी और आपके प्रॉफिट मार्जिन बहुत कम हो जाते हैं। तो जो लोग जिनके पास इन्वेस्टमेंट होती है और अपना ब्रांड बिल्ड करना चाहते हैं वो प्राइवेट लेबल करते हैं। जो लोग जी कहते हैं कि हमारे पास इन्वेस्टमेंट भी इतनी नहीं है, हम ऑलरेडी बिल्ड ब्रांड से परमिशन लेके उनकी प्रोडक्ट सेल करेंगे, वो होलसेल करते हैं। जी जी मुझे एक्सप्लेन करने दें, एंड में आपके क्वेश्चन सारों के क्वेश्चन लेंगे, जब तक आप लोगों के क्वेश्चन नहीं होंगे मैं नहीं जाऊंगा। मैंने इसीलिए बोला था कि आप लोग पेन और नोटबुक पास रखें, अपने क्वेश्चन को नोट कर लें, एंड में जब क्वेश्चन आंसर्स होंगे तो आप लोग अपने क्वेश्चन और आंसर मुझसे पूछ लेना। ड्रॉप शिपिंग प्राइवेट लेबल होलसेल, ड्रॉप शिपिंग क्या होता है जी? प्राइवेट लेबल का मतलब था कि प्रोडक्ट ऑलरेडी जो बिक रहे थे आपने अपना लोगो लगा के थोड़ी सी उसमें डिजाइन चेंज करके अपने ब्रांड के नीचे बेचना शुरू कर दिया। होलसेल आपने कोई फेमस ब्रांड उठाया जो अच्छा बिक रहा है अमेजोन पे, जरूरी नहीं कि वो नाइकी ही हो,
कोई भी फेमस ब्रांड आपने देखा जो अच्छा बिक रहा है, आपने उससे परमिशन ली और अमेजोन को बताया कि मैं ये बेचना चाहता हूँ, अमेजोन ने आपको उसके प्रोडक्ट पेज पे आपकी ऑफर भी यहाँ पे ऐड कर दी, ठीक है। थर्ड होता है ड्रॉप शिपिंग। ड्रॉप शिपिंग रिस्की चीज है, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ होती क्या है, जस्ट आप लोगों को बताने के लिए। इससे रिलेटेड क्वेश्चन आप पूछने शुरू कर देना, बिकॉज हम होलसेल और प्राइवेट लेवल पे फोकस रखेंगे, ठीक है। ड्रॉप शिपिंग जस्ट आप लोगों को बताने के लिए है, जस्ट आप लोगों को पता हो ड्रॉप शिपिंग होती क्या है, इसको सर पे नहीं सवाल करना। ड्रॉप शिपिंग की मैं आपको सिनेरियो दे रहा हूँ। नाइकी का शूज $75.11 का अमेजोन पे लिस्ट हुआ है, मैं ebay.com पे गया, वहां पे $50 का सेम शूज सेम क्वालिटी बिक रहा है। मैं अमेजोन पे आया, मैंने अमेजोन को बोला मेरे पास नाइकी का शूज है, मैं भी बेचूंगा। अमेजोन ने बोला कितने का बेचोगे, मैंने बोला ये 75 का बिक रहा है यहाँ पे, ये सारे सेलर 75-74 का बेच रहे हैं, मैं 60 का बेचूंगा। अमेजोन आपकी ऑफर यहाँ पे ऐड कर देगा, आपके बायर आएगा, वो बोलेगा यार ये सारे 75-74 का बेच रहे हैं, आप 60 का बेच रहे हो, वो आपको ऑर्डर कर लेगा। अमेजोन आपको मैसेज करेगा जी कि आपको ऑर्डर आ गया, $100 आपके अकाउंट में आ गए हैं, ये बायर का एड्रेस है, ये बायर का नाम है, ये बायर का अकाउंट है, काइंडली इसको ऑर्डर फुलफिल करो। आप क्या करोगे, आपने ईबे पे देखा था ना $60 का पड़ा हुआ है, आप ईबे पे जाओगे, जाके परचेज करोगे, ईबे आपसे आपका एड्रेस पूछेगा, आप एड्रेस कौन सा दोगे जो अमेजोन बायर ने आपका प्रोडक्ट परचेज किया था, आप वो एड्रेस दे दोगे, ईबे उस बंदे को डिलीवर कर देगा, आप ईबे को उसके $60-$50 दे दोगे और अमेजोन से आपको 60 मिले थे, 10 आपकी जेब में, 50 ईबे के पास, और बायर को उसकी प्रोडक्ट मिल जाएगी। लेकिन रिस्क यहाँ पे क्या होगा कि वो ईबे के डब्बे में मिलेगी, तो वो बायर अगर कंप्लेन कर देगा तो आपके सेलर का अकाउंट सस्पेंड,